पानी फेर दो इस पन्नों पर ताकि धुल जाए सारी स्याही, जिंदगी तुझे फिर से लिखने का मन करता है। उम्र बिना रुके ही सफर कर रही है और हम ख्वाहिशों को लेकर वहीं खड़े हैं। कहां मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। चुप हो जाएंगी सारी आवाजें, रह जाएंगी बस बीती बातें और यादें, सिर्फ तस्वीर बचेगी आंखों में और कानों में गूंजेंगी कुछ पुरानी यादें। वक्त बीत गया है और बीत गए हैं सारे लम्हे, तेरे जाने के बाद कुछ बचा है तो खामोश दीवारें और उदास रातें। क्या बात है। सहारे की नहीं थी मुझको आदत, पर अब दिल ढूंढता है कोई सहारा। बस खामोशी बची है टूट जाने के बाद, कौन कहता है कि तुम्हारी तस्वीर बात नहीं करती, हर सवाल का जवाब देती है पर आवाज नहीं करती। क्या बात। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी लुकी छिपी रचनाकार से जो बहुत ज्यादा खुल के नहीं लिखती है। बहुत उनका जो लिखने का सलीका है, तरीका है, वो बहुत डिफरेंट है। चलिए मिलते हैं मंजू उमर जी से। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार मंजू जी। लेखन की यात्रा आपकी कहाँ से हुई, कहाँ की आप रहने वाली है? हम मिर्जापुर के रहने वाले हैं और वहीं से हमने थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था। उसके बाद शादी हो गई तो फिर यहाँ पे सक्सेना जी के प्रयास से थोड़ा जो सक्सेना जी, राजन सक्सेना जी। हाँ, राजन सक्सेना। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक रही? हमारी पढ़ाई एम ए फाइनल तक रही, हिंदी साहित्य से एम ए किया हमने साहित्य। तो लेखन में मुख्यतः आपको जब राजेंद्र जी ने जोड़ा तो कैसे आपका उनसे जुड़ाव हुआ? वो राजेंद्र जी हमारे पति के दोस्त थे और उन्होंने किंजल जी से मिलवाया हमको, जगदीश किंजल। जगदीश उस समय छतरपुर के वो मैं डायरेक्टर थे। डायरेक्टर थे जी। तो फिर उन्हीं ने छतरपुर स्टेशन से भी हमारा एक प्रोग्राम ऑनलाइन दिखाया था, करवाया था। जी जी जी। उसी से हमारी थोड़ी साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ी जी, धीरे धीरे थोड़ा। जगदीश किंजल की तो बहुत सारे इंटरव्यू पर चर्चा पूरे हिंदुस्तान में, बात पत्र पत्रिकाओं मैंने भी पढ़ी है। तो क्या उनमें भी आपकी भागीदारी रही? हाँ, उनमें काफी भागीदारी रही। और फिर बीच में फिर ब्रेक लग गया 10-15-20-25 साल, पारिवारिक मुश्किल। हाँ, बच्चे छोटे छोटे जी, तो ब्रेक लग गया 20-25 साल। फिर अभी 2-3 साल 5-6 सालों से फिर से शुरू हुआ है। ये कैसे फिर आपके अंदर ऊर्जा द्वारा डेवलप हुई? ऊर्जा क्या, वो तो अंदर ही अंदर दबी हुई थी, बस निकालना था उसको बाहर। तो थोड़ा पेपर वेपर में लिखना शुरू किया, छपने लगा तो थोड़ा उत्साह बढ़ने लगा। ज्यादा तो दैनिक जागरण में जी। दैनिक जागरण वालों ने छापा, ये कोरोना काल में उन्होंने बंद कर दिया वो वाला पेपर पढ़ना निकालना, तब से फिर बंद हो गया जी। तो फिर वो मोबाइल एक सहारा है, उस पर चलने लगा। मोबाइल पे भी साहित्य गोष्ठियाँ और उन सब में आप लिखती रहती है? हाँ बराबर, हाँ उसमें बेचते रहते हैं बराबर। तो कहीं आप जहाँ आप छपती हैं ऑनलाइन, आप जुड़ी हुई हैं, तो किसी संस्था ने आपको सम्मानित किया? अभी तो पेपर में वालों ने ही किया था, एक बार इनाम दिया था। और अभी वहाँ पे साहित्यिक काव्यांगन में हमको अभी प्रशस्ति पत्र दिया है। कैसा लगता है जब दूसरे आपकी रचनाओं को सराहते हैं, आनंद आता है? बहुत अच्छा लगता है, एक अंदर से लिखने की और प्रेरणा जगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, और बिल्कुल भी टीवी वगैरह देखने का मन नहीं करता मेरा, लगता है कि बस खाली हो और बैठ जाओ लिखने के लिए कुछ। वो अंदर अपने आप ही उमड़ता रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रात में सोते सोते नींद नहीं आ रही है, कोई दो लाइनें मेरे दिमाग में आई, उठ के हम लिखते हैं उसको, फिर सवेरे उसको पूरा करते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है रचनाकार को कि वो रचना ऐसे ना लुप्त हो जाए, वो भूल जाता है फिर वो। तो ज्यादातर हम रात में उठ के लिख लेते हैं उसको, फिर सवेरे उसको क्लियर करते हैं पूरा जी। मंजू जी, आमतौर पर किस तरह की रचनाएं का आप निर्माण करती हैं, लिखती हैं? पहले तो हम ज्यादातर आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, ये सब सामयिक। हाँ, जो आपके आसपास कुरीतियां फैली हुई हैं, परेशानियां हैं, बच्चे आजकल विदेश चले गए हैं, लोगों पेरेंट्स को छोड़ के अकेलापन बहुत है, लोग अकेले परेशान हैं घर में, और लड़कियां हैं जो आजकल गंदे गंदे कपड़े पहन पहन के घूमती हैं, छेड़छाड़ होती, इन सब चीजों पे मैंने बहुत लिखा है जी। लेकिन इधर जो आपको तकलीफ देता था उन मुद्दों को आपने कुरेदा।
तकलीफ समझ लीजिए एक तरीके से पेपर लिख लिख के मेरे अंदर का घाव भर गया। अच्छा अच्छा जो अंदर था मेरे वो हमारी रचनाओं में सब लिख दिया हमने जी। तो हमको थोड़ा सुकून मिलने लगा जी। वो अंदर अंदर बहुत गम खाता रहता है। इन दिनों आपकी रचनाओं में जो आपका बात का जो मध्यांतर हुआ, आप बता रहे कई सालों बाद आपने फिर लिखना शुरू किया, तो किस तरह की रचनाओं को आपने मुख्यतः लिखा? ये 2 साल पहले हमारी बेटी चली गई थी तो उसकी वजह से मन थोड़ा दुखी रहता था, तो उस तरह की भावनाएं। उनका सर्वनाश हो गया था। हाँ, कोरोना काल में 35 साल की बेटी हमारी चली गई थी, तो उसके बाद हमने ज्यादातर इसी तरीके के लिखने शुरू किए, अपने दर्द को शेयर किया। हाँ, वो उससे सुकून मिला बहुत हमको जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक दो रचनाएं आप हमारे दर्शकों को। हाँ, बिल्कुल जी। एक रचना है, भीड़ है लगी हुई न कोई आस पास है, न आंसुओं में दर्द है न बिजलियों में कौन है, इतने लोग हैं यहाँ पे पर नहीं है कोई अपना, किसको बताऊं किसे दिखाऊं दर्द अपना। ये आपके अंतरात्मा की आवाज है। अब दूसरी सुनाते हैं। जिंदगी गुजर जाती है जिसका साथ निभाने में, अक्सर वही कत्ल कर देते हैं आपका आशियाने में। सच बोलना कौन सी बड़ी बात है, असल हुनर तो है झूठ को सच बनाने में। किस्मत भी क्या खेल खेलती है, यहाँ भरी दुनिया के बीच हम अकेले हैं इस जमाने में। बहुत शानदार। कुछ ऐसी रचना जो आपको, जैसे आपने बताया काव्यांजलि और उसमें आपको सराहा गया, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। यही वाली सराही गई है, जिंदगी गुजर जाती है जिसका साथ निभाने में, अक्सर वही कत्ल कर देते हैं आपका आशियाने में जी। सच बोलना कौन सी बड़ी बात है इस जमाने में, असल हुनर तो है झूठ को सच बनाने में। किस्मत भी क्या खेल खेलती है, यहाँ भरी दुनिया के बीच हम अकेले हैं इस जमाने में। जाने कब से तेरी इंतजार में बैठे हैं ए खुदा, अब दिल नहीं लगता तेरा तेरे इस जमाने में। फिक्र नहीं है हमें अब किसी के छोड़ जाने की, जिसे जिंदगी समझा था वही नहीं रहा जी। मंजू जी, आपने अब तक लगभग कितनी रचनाओं का उत्पादन किया? लगभग तो पोयम तो करीब करीब, कविताएं तो करीब करीब 200 के करीब हैं जी। और बाकी और आर्टिकल्स वगैरह काफी लिखे हुए हैं मेरे पास। तो इतनी सारी रचनाओं का जो संकलन है, कभी आपके दिमाग में आया कि उसको एक संकलन के रूप में, एक पुस्तक के रूप में भी आप तैयार करें? हाँ, मन तो हुआ कई बार, लेकिन कुछ लिंक नहीं जुड़ पाया, किसी का साथ नहीं मिल पाया कि इसको कैसे संकलित करें, कैसे कराएं, ये सब। तो मंजारा बीट आपसे अपील करेगा कि 2023, अब चूंकि 22 जाने वाला है, तो नए साल में एक नया संकलन आपका आए हमारे दर्शकों के लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि भाई लोग पढ़ें, अच्छा लगेगा हमको, तो छपना चाहिए। अच्छा मंजू जी, आपके लिखने के अलावा और ऐसे क्या शौक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो अब आप मैनेज नहीं कर पाती हैं, उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं या घर की परिस्थितियां? मैनेज तो सब कुछ कर सकते हैं हम, ऐसे है मेरे अंदर भी हिम्मत बहुत है, मेरे इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति बहुत है, कुछ भी काम असंभव नहीं है मेरे लिए, हम कर सकते हैं सब। तो ऐसा तो लगता है हम किसी की हेल्प करें, कोई परेशान है तो उसके लिए कुछ करें, मन बहुत करता, लेकिन सोशल विंग में आप जाना चाहते हैं, सोशल उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जरिया नहीं मिलता कुछ करने के लिए। तो आपके स्वभाव में अगर एक अलग हटके सवाल पूछा जाए कि गुस्सा कब आता है आपको? जो कोई गलत बात बोलता है, हमने वो चीज नहीं कही है, जबरदस्ती मेरे ऊपर थोकता है तो गुस्सा होता है। कैसे निपटती है उससे? कैसे मैनेज करती है? लड़ लो, गुस्सा हो लो, और कैसे निपटते हैं, बस ऐसे ही निपट जाता है, फिर सोचते हैं बेकार में क्या फायदा ये सब करने, शांति बनाए रखो। हम चाहेंगे कि आपकी अपनी जो और एक दो रचनाएं हैं हमारे दर्शकों को आप जरूर सुनाएं। हाँ, तो आजकल के रिश्तों के ऊपर हम सुनाना चाहते हैं। रिश्तों की गलियां क्यों इस तरह तंग हैं,
रिश्तों की गलियां जाने क्यों इतनी तंग है, उनकी आजकल आपस में बातचीत बंद है। वो खौफ जो दिल के जमीन पे बोया था, दरख्त बनने से पहले ही सूख गए हैं। बिखरी बिखरी सी है जिंदगी, सुकून कहाँ मिलता है, रिश्तों का हर दरख्त चाहत के पत्तों से खिलता है। गुमनाम ख्वाहिशें घुटती हैं दिल के तहखाने में, तेरी याद ही है जिसे उम्मीदों का सूरज खिलता है। बात करो, बात करो। और एक अंतर पढ़िए, एक लाइन पढ़िए। एक विश्वास ही तो है जो जिंदगी, जो रिश्तों की जान होती है, बाकी सब कुछ तो जिंदगी में बेजान होती है। प्यार आदर सम्मान हर रिश्ते की जान होती है, हल्की सी परवाह हर रिश्ते को बरकरार रखती है। जी। वक्त से मिले दर्द को अगर रिश्ते का मरहम मिल जाता है, फिर वह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होता है। बात को अंजलि जी, एक बहुत अलग हट के सवाल कि आपके इस लेखन में आपके जीवन साथी का क्या योगदान है? उनका तो योगदान खैर नहीं है, हम अपने आप क्या करते रहे वो अब तक, क्या उनका प्रोफेशन रहा? बिजनेस में रहे, अब रिटायर हैं जी। तो अपना आराम से जिंदगी बीत रही है। तो आपकी कविताएं सुनने की ललक उनमें होती है, सुनते हैं कभी? तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। ललक वैसे कम है, हमारे थोड़ा बेटा प्रोत्साहित करता है, और थोड़ा हमारी सामने एक मेरी दोस्त की बेटी है, वो बहुत प्रोत्साहित करती है कि आंटी आप बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत, तो बड़ा अंदर से अच्छा लगता है। नहीं, मैं देखता हूँ आपकी पोस्टिंग फेसबुक पे जब आती है तो यकीनन बहुत शानदार होती है, तो वो सब आप कैसे ताना बाना बनती है, क्योंकि आप, आपकी पोस्टिंग में एक नयापन और एक ऊर्जा जैसी स्थिति होती है। कि देखिए, जब आपका मन जैसा होता है, जिस तरीके की आप सोच रखते हो, उसी तरीके की आपकी पोस्ट होती है। ये तो सब सोच के ऊपर है, आपका मन क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, क्या चाहिए उसको, वो सब मिल जाता है खोजने से, ऐसा कुछ नहीं। खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर वो तो पोस्ट है। जी जी। मंजू जी, बंजारा बीट एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी कुछ छोटा सा संदेश दीजिए। क्या संदेश दें? जो भी आप समझती हैं नई पीढ़ी के लिए, आप कुछ नया कहना चाहती हो? आजकल की पीढ़ी थोड़ा संवेदनहीन हो गई है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, कुछ बड़े छोटों का सम्मान नहीं रह गया है, कुछ नहीं। विदेशों में लोग जा जा के बैठ जाते हैं बच्चे, लेकिन इसमें गलती तो माँ बाप की भी है कि आप ही तो पढ़ा लिखा के उनको इतना पढ़ाते हैं कि आगे चलो, आगे बढ़ो, अच्छी नौकरी करो, फिर वहां बस जाते हैं तो आते नहीं है, फिर आप उनको सोचते हो कि बच्चे इतनी दूर चले गए, लेकिन ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, गलत लगता है। आपको लगता है कि जमाने के हिसाब से नई पीढ़ी मिसफिट है? हाँ, नई पीढ़ी बहुत संवेदनहीन हो गई, बिल्कुल उसमें जरा भी कुछ अपनापन, और फिर ये गलती माँ बाप की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि आप बच्चे नौकरी कर रहे हैं, वो कहीं रह रहे हैं, आप कहीं रह रहे हैं, तो वो अपनापन धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। वो चाहते नहीं है, आजकल की जनरेशन गैप है कि वो हमारे संग रहे, वो पसंद नहीं करते, इस चीज का दुख बहुत होता है। तो ये थी मंजू उमर, जो अपने मन की पीड़ा बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए मंजू जी धन्यवाद सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।